एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैंक लेकर आई हूँ जो मैंने नेहा के साथ करना है। नेहा ने आज आना तो नहीं था, लेकिन मैंने उसको बोला कि आओ। मैंने उससे पहले थोड़ी सी लड़ाई की है। तो नेहा की जो भाभी हैं, किंजा भाभी, तो वो भी मेरे साथ मिली हुई है। थोड़ा उन्होंने भी थोड़े आइडिया दिए कि ऐसे 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 करना, ठीक है। उनको भी मैंने मैसेज किया हुआ है कि मैं आपको एक वॉइस करूँगी, आपने वो नेहा को भेजनी है कि बिस्मा ऐसे ऐसे मुझसे बदतमीजी कर रही है। रुको जरा, सबर करो। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती लड़ाई करनी पड़ रही है उसके साथ। देखें वो आती है या नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि उसकी आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है और मैंने उस पर गुस्सा भी किया, तो वो थोड़ी रोने वाली हुई थी। देखो मज़ा तो आएगा अगर वो आ गई तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैमरा कहाँ रखा। आपने वीडियो को जो है पूरा देखना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम किंजा भाभी, मुझे बात करनी है आपसे। यार नेहा को समझाएं या फिर आंटी को बोलें कि उसको समझाएं, वो बहुत ना बदतमीजी करती है मेरे साथ और ना मतलब बहुत पंगे भी करती है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और ना 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 मजा नहीं आ रहा, गुस्सा डिलाओ यार, गुस्सा डिलाओ भाई। क्या गुस्सा नहीं आता मुझे, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा आज तो मेरे हाथ भी इतने कांप रहे हैं कि मैंने 3 दफा रिकॉर्डिंग की है, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही मुझसे। तो आप ये वॉइस सुनो। अस्सलाम वालेकुम किंजा भाभी, मुझे आपसे बात करनी है यार। नेहा को समझाए, आंटी को बोले उसको समझाए, वो ना बहुत बदतमीजी करती है, उसको थोड़ी लगाम में रखे, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता जैसे वो कर रही, उसको बोले दोस्ती निभानी है तो निभाए, वरना दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि ऐसे नहीं होता। और आंटी को भी बोल देना कि मैं या तो मैं घर आके बदतमीजी करूंगी या उसको घर पे भेज दें यहाँ पे, वरना अच्छा नहीं होगा ये बात। ये क्या हो रहा है नेहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि नेहा के साथ ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ सारे, अभी ये सब हो ही नहीं पा रहा मुझसे। खास लड़ाई अभी सबको बताने वाली, खैर लड़ाई होती है हमारी लेकिन आपस में सॉल्व हो जाती है। दोबारा नेहा को कॉल करती हूँ और रिकॉर्डिंग करती हूँ। हेलो, क्या हुआ, आ रही हो? अगर मेरी तबीयत नहीं सही तो फिर क्या हुआ तबीयत को? जो हो रहा है मुसलसल। तो जिम भी तो गई थी ना, यहाँ नहीं आ सकती तुम? ये तो वही तो ना, मैं वहाँ जाके बैठी रही, ज्यादा किया। तो यहाँ मैंने तुम्हें क्या डांस करवाना है या मैंने तुमसे खाना बनवाना है? यहाँ पे कह रही हूँ ना, मुझे बात करनी है तुमसे। कल कर लेना। कल क्या कर लेना, मैं क्या कल तक बैठी रहूं? कैसे कर रही हो तुम बात? कैसे कर रही हूँ तुम्हें नहीं पता, मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारे घर पे फोन कर दूंगी। हाँ क्या करोगी फोन करके बताओ? बताऊंगी ना तुम्हारी। क्या बताना है? हाँ क्या बताना है? सोच नहीं सकती मैं क्या क्या बताऊंगी, फिर याद रखना। क्या बताना है? बहुत कुछ बताऊंगी। हाँ डायरेक्ट बताओ ना मुझे पहले। तुम्हें क्यों बताऊं? जब है ही नहीं तो फिर क्या नहीं है? बकवास क्यों कर रही हो इतनी देर से? क्या नहीं है बताओ, आ रही हो या नहीं? नहीं आ रही, मैं जा चल। मैं नया अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे घर पे फोन कर दूंगी, फिर अच्छा नहीं होगा, याद रखना। अभी कर, अभी अभी कर दूंगी वाकई मैं। हाँ अभी अभी कर, अभी चल जल्दी बजना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, अल्लाह दफा हो जाओ। सही कर, फोन कर। किंजा भाभी को करती हूँ। बेचारी को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। नहीं दादी मेरा टाइम निकल जाएगा पूरा। आपकी मदद के मुंतजिर हैं वजीर आजम फ्लड रिलीफ अकाउंट G-12164 में दिल खोल कर अध्ययन। बेटा सो गाइस, हुआ ये कि नेहा को सब पता चल गया, लेकिन मतलब कि प्रैंक गॉज रॉन्ग। यस यस, इसने भाई हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया, जब किंजा भाभी ने इसको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बिस्मा ने मुझसे बदतमीजी की है, ठीक है।
ये तो होना था ना, आपने मेरे साथ प्रैंक किया जो कि आप कर ही नहीं सकती, यू नो दैट वेरी वेल। फर्स्ट एंड लास्ट था मुझे तो लगता ही। मैंने सोचेगी मेरी इसका हर जगह से मुझे इसने ब्लॉक कर दिया। मैंने जो हर्षित किया ना आपका, आप सोच नहीं सकती। आपका आपका कर रही। हाँ तो यही बोलूँगी। अच्छा, और इसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और फिर उसके बाद बेचारी बहुत रोई है। कैसे हुआ, कैसे आंखें देख सकते हैं आप लोग, मेरी सॉइल हुई नहीं बिल्कुल। आइंदा सोचा भी आपने तो भाई, आप तो फिर यहाँ से कट हो जाएंगी मुझसे डायरेक्ट। तो फिर बताओ बताओ हुआ क्या है। हुआ ये कि अच्छा मैं आपको ये भी बताती कि टॉपिक क्या था जो मैंने इसको मतलब बोल के वो किया किंदा भाभी को, क्योंकि हम लोग हम दोनों की जब लड़ाई होती है हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते, हम आपस में सॉल्व कर लेते, क्योंकि ऐसी होती भी नहीं है। होती भी है वो ज्यादा वाली, मतलब लड़ाई ऐसी कैसी हो सकती है। और मैं जब मुझे भाभी ने बोला ना कि तुम लोग की कोई बात हुई आपस में, मैंने कहा है, मैंने कहा आप दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। मैंने इससे भी ये बात बोली थी और खुद मैंने उनको भी कहा था, याद है कि मैंने उनको तुम्हें भी मैंने मैसेज किया था उनकी कॉल के बाद कि मुझे सच्ची बता दो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, तो क्यों मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। नेहा ने मना किया कि वो जो मतलब मैंने बात की थी वो रिवील नहीं करें, टॉपिक रिवील नहीं करेंगी आप। और बहुत ही कोई बदतमीज किस्म का टॉपिक था, घटिया किस्म का टॉपिक। तो बहुत देर तक यकीन नहीं आ रहा था, पर जब उन्होंने मतलब किंजा भाभी ने वॉइस भेजी, मैसेजेस भेजे कि ऐसे ऐसे बिस्मा ने की है और नेहा ने खुद सुना कि हाँ मैंने बदतमीजी की है, तो नेहा तो भाई हर जगह से मुझे ब्लॉक, नेहा ने मैसेज कोई गुस्से वाले भेजे भेजे दिखाओ ऐसे तुम्हारे बदतमीज मतलब कि फिर रात को ये मतलब हमारी रात, मैंने इसको बिल्कुल हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैंने कहा मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है बात बात करने की, और मैं बिल्कुल हैरान थी। और फिर इसने खैर मुझे जो बताना पड़ा फिर, जाहिर सी बात है इसको, क्योंकि फिर ये तो कत्ल होने वाली थी ना आखिरी में। मैं आज आई हूँ, बम फट जाते हैं जब गुस्से में आती है, आज आई हूँ तो बहुत प्यार से बात करूँ क्योंकि ये मुझे बता चुकी है। और अगर ये नहीं पता होता और मुझे पता चलता प्रैंक, तो उसमें आगे मुँह पे थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते जोर जोर से, उसमें भी ज़्यादा मज़ा आता वैसे। खैर मैं भी कौन सा छोड़ती तुम्हें थप्पड़ पड़ते तो ये बहुत बदतमीज है भाई, बच के रहना इससे, कभी कोई लड़ाई मत करना इससे। टाटा कर दो, प्रैंक फ्लॉप हो चुका है अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारी तरीके से। इनकी दो दिन की मेहनत मैंने पानी में मिला दिया। दो दिन से मैं और किंजा भाभी बातें कर रहे थे कि ऐसे 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 नेहा को करेंगे हम लोग, मतलब ये हो रहा था कि नेहा को ना शक हो जाएगा, कोई बहुत हार्ड वाला प्रैंक करेंगे हम। लेकिन मुझे शक पहले ही हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी सीरियस ले लिया आप लोगों पे ट्रस्ट करके, आप पे और भाभी पे। लेकिन आप लोगों ने मेरे ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है, इसलिए आइंदा आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करूँगी। आइंदा मैंने इसके साथ सोच लिया, मैंने इसके साथ कभी जिंदगी में कोई, तो भाई मेरे साथ तो वीडियो ही बहुत खतरनाक चीज़ है। बाय बाय, अब ज्यादा बातें घुल रही है। अभी लड़ाई करते करते मैंने इसके हाथ पे भी चोट लगा दी, इसके जो के थोड़ा सा दाना हो रहा है। मारी थी मुझे थप्पड़ मारी थी के, और बोली मैं तो इससे प्यार से बात कर रही हूं जब से आई, थप्पड़ मार रही थी मुझे। यू डिजर्व इट। ओके ओके बाय, बाद में मिलते हैं आप सबसे। तो मिलते हैं आपसे एक बेहतरीन व्लॉग के साथ, ऐसे फालतू व्लॉग आप भी मत देखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग नहीं देखा करें बेटा, तुम्हारा भी चैनल है, हम दोनों के चैनल, खाली मेरा चैनल नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। ये क्या तुम्हें हाथ मारने की ज्यादा आदत नहीं हुई, तुमने ही सिखाया मुझे, ऐसे करते हैं, बाय बाय।